Hi guys, welcome to TISS 2024 preparation video June onwards. So before I start this video, Kabir Das ji का जो दोहा है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूंकि पुनी का पछताने, ठीक है. तो जो regret वाला part है वो आगे टिस के एग्जाम के बाद नहीं होना चाहिए. सो रिसेंटली आई एम गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि सर अभी चालू किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, या तो फिर मैं लेट तो नहीं हूँ. सो वेरी फर्स्ट, तो आप लेट नहीं हो, डिसेंट टाइम है आपके पास. बट हाँ, रिग्रेट जो है एग्जाम के बाद नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई शुड स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन, ठीक है. लोगों ने दिसंबर नवंबर से टिस की पढ़ाई चालू कर दी है, ठीक है. सो यू शुड स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. दूसरा, दो जो हुआ थिंकिंग कि टिस का एग्जाम बहुत ईजी है, इतना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जितने लोग ये माइंड सेट से हो, 2023 में अगर आपने एग्जाम लिखा है, तो आपके फ्रेंड ने किसी ने एग्जाम लिखा है, उसको पूछो पेपर कैसा आया था, ठीक है. पेपर वॉज मतलब हिस्ट्री में कभी इतना कॉन्ट का लेवल टफ नहीं आया था. तो ईजी तो पेपर है ही नहीं है एट ऑल. तो आपको ये समझना है कि भाई नहीं है ईजी, अपने को मेहनत करनी है, ठीक है. नाउ कि जितने लोग सोच रहे हो जून से पढ़ाई चालू करने का, फटाफट पढ़ाई चालू कर दो. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने का टाइम है. अगर एग्ज़ाम जनवरी में हुआ तो फिर दिसंबर डेडलाइन, फेब में हुआ तो जनवरी मंथ बोनस डेज होगा. तो उसमें अपन वर्कआउट करेंगे क्या करना है. तो मैं आज बात करूंगा कि जून से चालू कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है. हाँ, बैचेस हमने लॉन्च कर दिए लाइव क्लास को लेकर के. यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455. बट अगर आप मुंबई में हो तो हमारे 4 सेंटर्स हैं, बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने. सेंट्रल लाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो थाने दादर, एंड वेस्टर्न लाइन में दादर, बोरीवली एंड वसई, ठीक है. तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जून ऑनवर्ड्स पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये समझना है कि टिस का एग्ज़ाम निकालना है तो 400 घंटे की पढ़ाई चाहिए. मतलब ये तो वो टाइमलाइन है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हो तो भी आप आराम से कर लोगे. तो ये अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जस्ट पढ़ाई चालू की है आपने या थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गया है, सबके लिए वीडियो काफ़ी हैंडी होने वाला है, ठीक है. तो आपको दिन में 2 से 3 घंटे और वीकेंड में 4 से 5 घंटे का टाइम निकाला है. इसलिए मैंने यहाँ पे वीकडे और वीकेंड का फैशन भी रखा हुआ है. इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा तो कुछ समझेगा नहीं, तो आप रिवाइंड करके वापस देख लेना. और हाँ, ये वीडियो मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस पे पहले आ रहा है, तो मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस चैनल का अगर आपको नहीं पता है तो मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ये वीडियो अगर आप मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस पे देख रहे हो, बट अगर आप ये वीडियो मैनुअल एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है मैनुअल टेस्ट एंट्रेंस का, गो एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है. बिकॉज नेक्स्ट वीक से मैं इस पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ 2024 के एग्जाम्स को लेकर. सो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी जो भी है टिस को लेकर, यू कैन आस्क मी, ठीक है. सो 400 घंटे की पढ़ाई चाहिए और आराम से ये टाइमलाइन हो भी जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस, ठीक है. सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए सिलेबस को लेकर. मैंने ऑल अबाउट वाला वीडियो बनाया हुआ है, काइंडली वॉच दैट वीडियो, 2024 को लेकर मैंने सिलेबस का भी वीडियो बनाया हुआ है. मैंने 5 साल के एनालिसिस का भी वीडियो बनाया हुआ है कि हर साल पेपर कैसा आया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा 24 में हर सेक्शन वाइज. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वो, ठीक है. तो एक बार एग्ज़ाम के बारे में समझ में आ गया, व्हाट एग्ज़ाम डिमांड, सिलेबस अवेयरनेस क्लियर हो गया आपको. उसके बाद आपका आएगा कैसे चालू करोगे. तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट. वैसे मैं आइडली आपको बोलता हूँ कि सिलेबस से चालू करो, बट इसमें मैं थोड़ा सा रिवर्स बोलूँगा, पहले मॉक से चालू करो. तो मैनुअल के पोर्टल पे 25 मॉक वी लॉन्च एवरी ईयर, 25 मॉक, और फर्स्ट मॉक अभी कल ही लॉन्च हो गया है, ठीक है. बाकी के मॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉन्च होंगे. तो फर्स्ट मॉक लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर, ठीक है. सर अभी मैंने तो पढ़ाई जस्ट चालू की है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या तो अभी कुछ भी हुआ नहीं है, तो मॉक लिख के तो मतलब स्कोर ही नहीं बनेगा. आई अग्री विथ यू, बट आई वॉन्ट कि जो आपका प्रेशर, पैनिकनेस आना है, जो टेंशन आना है, जो दिल टूटना है आपका, वो अभी हो जाए, ठीक है. मॉक लिखने से आपका स्कोर नहीं बनेगा, मतलब बहुत अच्छा सा 60-70 आप नहीं लेके आ जाओगे. अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है. बट अगर आपका 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वरीड अबाउट योर स्कोर. एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट कि आपको ये समझ में आए कि वॉट आर द फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम. दूसरा, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, आप कहाँ अच्छा कर रहे हो, कौन से सेक्शन में आप खराब कर रहे हो, या तो फिर कौन से सेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है, ये मॉक लिख के समझ में आएगा, ठीक है. तो हर महीने में अभी एक एक मॉक लिखो. आगे मॉक कैसे लिखना है मैं उसको लेके भी वीडियो पोस्ट करते रहूँगा, डोंट नीड टू वरी. तो हाँ, मॉक अपने को कंप्लीट करना है अच्छे से, फुल लेंथ मॉक, ठीक है. तो ये इससे आपकी पढ़ाई चालू करो, ओके. और 400 घंटे याद रखो, 400 आवर्स अपने को स्टडी करना है अगर अपने को टेस्ट निकालना है तो. डेली बेसिस पे क्या करोगे, मतलब वीकडे पे और वीकेंड पे क्या करोगे, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है. दूसरा, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो आप, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो,
या तो फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, या तो आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया लाइव क्लास, तो क्लासरूम जो, तो जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है, मेक श्योर राइट रिसोर्सेज, राइट कंटेंट, राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानर के साथ आप पढ़ो ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी, मेन्यूअर का सेल्फ स्टडी लिया है तो उसमें सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं, उसमें मॉक टेस्ट भी, हैंड आउट्स है, और बुकलेट ऑर्डर कर लेना भी। जितने लोग बैच ज्वाइन कर रहे हो मेक श्योर आप वीडियो का एक्सेस और बुकलेट वो ले लेना आपके स्टडी मटेरियल, बाकी टेस्ट सीरीज तो आपके वीडियो वाले पार्ट में आ जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी। तो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो आपका एक रूटीन बनाओ, मतलब तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी आप मॉर्निंग में पढ़ना, जो भी आपको डे वाइज पढ़ना है, जो भी टाइम आपको मिलता है ठीक है। बट प्लानर बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, ऐसा नहीं कि प्लान बना लिया रोज़ और एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर रहा हो तो फिर पढ़ाई, वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ओके। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद सम पीपल, जो लोग TSS टारगेट करो, 5 लोग 10 लोग, एक कॉम्पिटिशन आपको हेल्दी कॉम्पिटिशन मिल रहा है, बट अगर आप खुद से अकेले ही पढ़ रहे हो घर पर, आपको कॉम्पिटिशन नहीं पता, देन इट इज़ डिफिकल्ट। तो एक आपको एनवायरमेंट भी चाहिए वो कॉम्पिटिशन का, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन ठीक है ना। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर आप कोई कोचिंग में हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा है मैं सेल्फ कर लूँगा, गो फॉर इट, चॉइस इज योर्स। प्रोवाइडेड आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए ना, तो साल एक साल खराब होगा, इसका एग्ज़ाम साल में एक ही बार आता है, तो इस लेवल पे पढ़ाई होनी चाहिए कि फॉर श्योर आप एग्ज़ाम निकाल लो ठीक है। आफ्टर देन कम्स, या तो आप डरो टेस्ट से, आपके मैथ्स से, अगर आपका मैथ्स वीक है, या तो आप मेहनत करो मरो आप ठीक है, सिंपल है, दो फंडा। कॉम्पिटिशन मैंने हर साल बताता हूँ मैं, 45 से 50,000 के आसपास का कॉम्पिटिशन रहता है। अगर हम इससे डरेंगे तो वो अपने को और डराएगा, और आपका जो फोकस भी होगा वो यहाँ पे होगा, यू नीड टू फोकस ऑन दिस, मैं मेहनत करूँगा डेडिकेशन के साथ, एंड रफली जो 1500 के आसपास सीट है उसमें मेरा एक सीट पक्का होने वाला है ठीक है। तो ये माइंड सेट के साथ आप पढ़ाई करो 1500। अब आप HRM के लिए जा रहे हो, ODCL के लिए जा रहे हो, जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, जो भी कैंपस में है ठीक है, यू नीड टू बी क्लियर कि मुझे एक सीट चाहिए उस कैंपस में, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। सो आइडली पीपल फोकस ऑन दिस, जो कि आइडली ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ठीक है। दूसरा है रिसोर्सेज, टेस्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस। हर सेशन में मैं गाइड करते रहता हूँ, मेंटरिंग करते रहता हूँ कि ये गलती नहीं करनी है, ऐसे पढ़ना है। इवन व्हेन आई एम टेकिंग द क्लासरूम सेशन, यू कैन मीट मी, यू कैन टॉक टू मी, बट हाँ अगर आपने मेहनत ही नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ भी स्टार्ट ही नहीं किया, तो फिर इट इज़ ऑल तो पूरा टेस्ट का प्रिपरेशन अभी डाउट में चल रहा है। तो स्टार्ट करना जरूरी है ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ कहाँ आप अच्छा कर रहे हो ठीक है। सो मेक श्योर रिसोर्सेज सही से हो, आपके बुकलेट मेन्यूअर की जो आपको मेन्यूअर से बुक मिलेगी दैट इज़ सफिशियंट, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज जो है दैट इज़ सफिशियंट, और आपका वीडियो पार्ट जो है, और आपके जो लेक्चर्स होंगे ठीक है। तो इतना काम तो अपने को करके ले लेना है। ये हो गया आपका कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, पूरा सेट कर रहे हो, और मैंने स्टार्ट करने के लिए बता दिया मॉक इज़ द बेस्ट पार्ट। अब पढ़ोगे कैसे, देखो GK जो है वो आपको डे वन से चालू कर देना विदाउट फेल। GK हम लास्ट में चालू नहीं कर सकते, इट इज़ वास्ट एरिया। 3 चीज़ स्टार्टिंग में आप मुझे करके दे दो जून और जुलाई में, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, स्टैटिक का 3 पार्ट। कहाँ कहाँ से, मेन्यूअर के डैशबोर्ड से पहले वीडियो देखो, हैंडआउट्स नंबर 1, वीडियो और हैंडआउट्स नंबर 1, नंबर 2 मेन्यूअर का जो स्टैटिक GK का बुक है वहाँ से ये तीनों टॉपिक। उसके बाद लूसेंट पे हम आएंगे बाद में, लूसेंट वाली बुक भी करनी है अपने को सेम 3 टॉपिक को लेके, अपने स्टैटिक GK काफ़ी डिसेंट लेवल पे हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपको काम करना है आपके करंट अफेयर्स से, एक साल तक का करंट अफेयर्स अपने को कंप्लीट करना है, जून 2023 से लेकर जून 2024 या तो फिर दिसंबर 2024, जब भी आपका एग्जाम होता है एक साल उसके पहले का लेना है। आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, पहले वो हैंडआउट्स को गो थ्रू करो, मंथली मैगजीन जो आती है हैंडआउट्स के फॉर्म में, और आपका वीडियो पार्ट ठीक है। हर महीने को लेकर देर आर 4 वीडियोज़, week 1, week 2, week 3, week 4, वो आपको देख के ख़त्म करना है। ये GK पे काम हो गया। दूसरा मैथ्स, देखो मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो भाई आपको बेसिक कैलकुलेशन पे काम करना ही पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पे काम करना ही पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करोगे तब जाके वो समझ में आएगा, ओके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मुझे इस तरीके से टैकल करना है, नंबर चेंज हो गए आपके ठीक है। सो नो डाउट 2-3, 2-4 क्वेश्चन टफ आते हैं हर साल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा ही कर जाओगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 30 में से 20 तो कहीं नहीं गया है। बट आई वॉन्ट, अगर आप जुलाई से जून से चालू कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन ठीक है, या तो थोड़ी बहुत आपने चालू कर दी है, तो अपन 25 का टारगेट लेते हैं, 25 प्लस, अगर 30 आउट ऑफ 30 ला रहा है तो भाई वेल एंड गुड। बाकी इंग्लिश में आई वुड सजेस्ट कि आप रीडिंग पे काम करो, न्यूज़पेपर, दूसरा ये बुक ले लो वर्ड पर मेडिजी, मैंने क्लासरूम में भी बताया हुआ है कैसे करना है, लाइव क्लास में भी बताया हुआ है कैसे करना है। अभी मेरा जो बैच, अभी जो जुलू वाला बैच चालू हो रहा है उसमें भी मैं गाइड कर दूंगा कैसे करना है, बट करना आपको है, मेहनत आपको करनी है ठीक है।
सो वर्ड वोकैब आपका अच्छा रहे, बाकी ग्रामर इंग्लिश वोकैब वो तो हम कर ही लेंगे, है ना। आपका रीडिंग वाला पार्ट पे काम करो आप। चलो इस पे आते हैं, वीकडे और वीकेंड वाले फैशन पे। आई वॉन्ट न्यूज़पेपर रीडिंग 1 आवर, वर्ड पावर मेड इजी 25 मिनट्स बहुत हो गया, ग्रामर आपके मैन्यूवर के पोर्टल से 15 मिनट बहुत हो गया। तो ग्रामर करने के लिए पहले हैंड आउट डाउनलोड कर लो, 100 रूल्स का दिया है, फिर वीडियोज़ उसके अंदर ब्लैंक पेजेस ऐड करो जो हैंड आउट डाउनलोड कर रहे हो उसके अंदर, आपका फिर वीडियोस देखो, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, और जो एक्स्ट्रा रूल्स मिले उस हैंडआउट्स में जॉट डाउन कर लो। एक बार आपका सिनॉप्सिस किट रेडी हो गया, फिर डेली बेसिस पे 15 मिनट नाउन को दिया, कल फिर प्रोनाउन एडजेक्टिव, 1 से 2 महीने में हो जाएगा ये, ठीक है। ऑल्टरनेट डे पे आरसी रीडिंग कॉम्प्रेशन 1 सॉल्व करो, 15 मिनट बहुत हो गया, 1 आरसी सॉल्व करने में 5 मिनट, उसकी एनालिसिस 10 मिनट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ठीक है, अगर आप 1 घंटे दे सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर आप 30 मिनट्स दे सकते हो वेल एंड गुड, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिल रहा है 4-5 घंटे, तो आप जीके में 1 घंटा स्टैटिक 1 घंटा करंट अफेयर्स कर लेना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 आवर, ये रफली 1 आवर, ये रफली 1 आवर, तो 3 घंटे हो गए। थोड़े टाइम बाद आपका क्या होगा, ग्रामर खत्म हो जाएगा, आरसी ऑल्टरनेट कर रहे हो, तो ये आधे घंटे और बचेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी लेक्चर्स हैं आपके, जैसे कि मान लो कि आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस का आपका ये वीक में लेक्चर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज हुआ, तो इन दो टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको मैनुअल की बुक से, या तो जो भी बुक आपके पास है। आपके मैनुअल की बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 35 क्वेश्चन किया आपने कम से कम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, मोर देन सफिशिएंट हो गया, ठीक है। वीकेंड में 5 से 6 घंटा आपने निकाला सैटरडे और संडे, तो 12 से 13-14 घंटे जो भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, प्रैक्टिस करनी है अपने को, यहाँ पे मैथ्स उठाओ, मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, जो भी टॉपिक आपके दोनों हो गए, ठीक है। बट जब आप वीकडे में हो, अगर आपको 15-20 मिनट का टाइम लगता है, मिलता है अगर, तो जो टॉपिक मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हो, उसका वीडियोस, आपका थियरी पार्ट बुक से 4-5 इजी लेवल के क्वेश्चन वो सॉल्व करके पहले ले लो। होगा क्या कि यहाँ पे फिर आपको स्क्रैच से चालू नहीं करना, आपने ऑलरेडी वीडियोस गो थ्रू किया, आपने ऑलरेडी बेसिक गो थ्रू किया, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे, और वो आपका क्वेश्चन बनेगा भी, और फटाफट आपका पूरे चैप्टर कवर भी होंगे। उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट वगैरह चाहिए तो नेक्स्ट वीक पे रख दो, कि ये वीक पे मैं पूरा प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट वीक में टेस्ट लिख दूंगा। 15 दिन के इंटरवल पे जो लास्ट वीक हुआ था उसका पूरा कंप्लीशन हो गया, और फिर नेक्स्ट वीक में 2 टॉपिक और भी होते हैं, 2 से 3 टॉपिक अगर आपके होते हैं, तो वो उसका प्रैक्टिस टेस्ट, इस तरह से आपको पढ़ना है। स्मूथ प्रिपरेशन है, प्रेशर पैनिकनेस नहीं है, और कंसिस्टेंट रहना है आपको, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप यही चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं करोगे और पढ़ोगे ही नहीं, जो कि रिक्वायर्ड है 2-4 घंटे, तो मतलब जो मैंने टाइम दिया आपको पढ़ने के लिए, ये टाइम अगर आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर डिफिकल्ट है। ग्रामर, वर्ड पावर, मेड इजी, ये सब अगर आपका ट्रैवलिंग आर में यूज़ कर सकते हो आप, तो वेल एंड गुड, वहाँ पे रिवाइज कर लो अगर आपसे होता है तो, नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है, 400 घंटे भाई अपने को पढ़ने हैं, टेस्ट निकालना है तो, और होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। 80+ का अपने को टारगेट लेके चलना है आउट ऑफ 100। सो दोज हू हैव नॉट येट स्टार्टेड, फटाफट चालू कर दो। जितने लोग के ये डाउट क्वेश्चन थे कि भाई होगा कि नहीं होगा, डिसेंट टाइम है, आप चालू कर दो, ठीक है। और जो जो मैं आगे वीडियोस पोस्ट करते जाऊंगा मॉक को लेके, और मैं गाइड भी करता रहूँगा आपके लाइव क्लास में, आपके क्लासरूम में भी, आपको वो अच्छे से फॉलो करना है। जितने लोग का मैथ्स वीक है, डोंट हैव टू वरी, 3 टॉपिक देख डालो, स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, आपका फाउंडेशन वाला मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो बैचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लासरूम और लाइव को लेके, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है आपके, तो कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन दोज हु आर टारगेटिंग फॉर TISS 2024। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।